यहाँ पे भवंडर आ गया क्या? सब कुछ बिखर रहा है, टोचन का चेन टूट फूट रहा है, धूमधाम की आवाज आ रही है, क्या होगा? आ गया नीचे। तो गाइस इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D में अभी आप टोचन मोड में भी किसी भी व्हीकल को मॉडिफाइड कर सकते हो, उसके बाद उसका टोचन भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये बाइक का, बुलेट बाइक का जो व्हील है उसको चेंज किया है, देखो बड़ा वाला व्हील लगा लिया है मैंने। और भी जितना भी सारे मॉडिफिकेशन का ऑप्शन अभी इसमें मौजूद है वो भी आप टोचन मोड में कर सकते हो, जो कि आज हम करके देखेंगे, कुछ धमाकेदार भी करेंगे। तो वीडियो पे बने रहना एंड तक, लाइक कर देना। पहले तो इस व्हील के साथ ग्रेडार इसको खींच के लेके जा रहा है बुरी तरीके से। चलिए इससे नहीं होगा, इसमें हम बड़ा वाला जो बड़ा ट्रैक्टर का व्हील है सबसे बड़ा वो लगा के देखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। और इसमें ट्रैक्टर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि हम डीजे लगा रहे हैं ट्रैक्टर में, डीजे को चेंज कर रहे हैं, देखते हैं कौन सा डीजे यहाँ पे सही लगता है। ये बहुत ही बड़ा बड़ा है, लेकिन हम लगाएंगे थोड़ा सा छोटा किस्म का, छोटा किस्म का तो यहाँ पे ये अभी के लिए ये ही रहने देते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो यहाँ पे भी ये, और इसका व्हील भी चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसका तो इसका आगे का व्हील चेंज होता है, पीछे का नहीं होता है, आगे और पीछे ऐसे बड़े बड़े व्हील कैसा लगेगा, अटपटा सा थोड़ा सा। तो यहाँ पे छोटा वाला व्हील बड़ा वाला ही रखते हैं हम, बड़ा ही रखते हैं, सबसे बड़ा वाला जिसमें डायनासोर का लोगो लगा हुआ है वो रखते हैं, वो सबसे ज़्यादा चमकदार और तगड़ा लगता है। इसके बाद ये वो ये इसको रखते हैं, इसको रख लिया, ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, ये सामने थोड़ा सा बड़ा हो गया और पीछे छोटा हो गया। अभी खींचने के बाद खींचो 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 खींचो, जो लगा के जो लगा भैया, ये उसके सामने ये फीका पड़ गया भैया। अब हम बाइक में बड़ा वाला व्हील लगा के टोचन करेंगे डायनासोर वाला, अब होगा कुछ धमाकेदार। पहले इसमें हॉर्न 3 सिलेंडर 2 लगा लिया, अब देखते हैं बड़ा वाला व्हील लगा के अब क्या होता है। इसको लगाते हैं, अब देखो क्या तगड़ा लग रहा है भाई, अब तो बाइक नहीं दिख रही है सिर्फ व्हील ही दिख रही है, इतना बड़ा ट्रैक्टर का व्हील लग गया देखो बाइक में। अब खींच के देखते हैं, थोड़ा सा पावर मार लेते हैं, पहले थोड़ा सा दम मार लेते हैं, धूल उड़ा के रख दिया भैया, धूल ही धूल हो गया, अब उसको पावर देंगे। अब देखते हैं, अब ये कंट्रोल उसको पावर देते हैं तो आसानी से खींच के लेके जा रहे हैं। वैसे बाइक और उसके पावर का कोई तालमेल नहीं है, बहुत अंतर है, फिर भी मैंने सोचा था कि बाइक में अगर बड़ा वाला व्हील लगे तो इसके पावर थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा संभव हुआ नहीं। लेकिन अगर हम इसके साथ जेसीबी का मुकाबला करें तो कौन जीतता है देखते हैं। लेकिन जेसीबी के सामने ग्रेडार का पावर कम पड़ चुका है, और देख सकते हो खींच के लेके जा रहा है जेसीबी पूरा, ये देखो वो भी खींच रहा है और मैं भी जेसीबी से खींच रहा हूँ, लेकिन जेसीबी का पावर थोड़ा सा ज़्यादा है उससे, तो ये देखो खींच के लेके आया उसको एकदम। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।